हाय गाइस, सब्सक्राइब टू माय हैशटैग स्टाइल है चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। हे गाइस, इज आशा, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का एपिसोड है प्रिया प्रकाश इंस्पायर्ड मेकअप लुक। तो मैं आज प्रिया प्रकाश का इंस्पायर्ड मेकअप लुक क्रिएट करने जा रही हूँ। सो गाइस, यही है वो मेकअप लुक जो मैं क्रिएट की हूँ। प्रिया प्रकाश जी काफ़ी मतलब वायरल है सोशल मीडिया पे, काफ़ी फेमस है उनका वीडियोज़ वगैरह सब कुछ, एंड वो एक्चुअली इंडिया का क्रश भी है। तो उनका ही मैं लुक एक्चुअली रिक्रिएट करने जा रही हूँ। बस ये सिर्फ एक इंस्पायर्ड मेकअप लुक है, पसंद आया तो मैंने इस लुक को क्रिएट किया है गाइस। ये लुक बहुत ही सटल, स्वीट, सिंपल एंड बेस्ट मेकअप लुक है गाइस। काफ़ी कम प्रोडक्ट के साथ इस लुक को क्रिएट किया गया है, एंड एक न्यूड लिपस्टिक के साथ सिर्फ आईज़ को ज़्यादा फोकस में रख के ब्राइटन अप करके इस लुक को क्रिएट किया गाइस। ये लुक बहुत ही अच्छा एंड बेस्ट रहेगा एवरीडे वेयर के लिए, एंड एवरीडे मेकअप के लिए ये लुक बेस्ट है, एंड कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए तो ये लुक बहुत ही ऑसम है गाइस। तो यही है जो लुक मैं रिक्रिएट करने जा रही हूँ। सो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और उसके बाजू में एक बेल बटन होगा उसे भी हिट कर दीजिए ताकि आप मेरे एक भी वीडियोस मिस ना करें, एंड जो सारे वीडियोस मैं न्यू जो अपडेट करूँगी वो उससे आप अपडेटेड रहें। एंड उसके बाद आप मेरे चैनल को, आपको पसंद आए तो आप मेरे चैनल में कमेंट कर दीजिए आपको कैसा लगा, एंड शेयर करिएगा। सो चलिए गाइस, मैं आपको बताती हूँ इस लुक को मैंने कैसे क्रिएट किया। सबसे पहले मेरे फेस को मॉइस्चराइज करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे पीच मिल्क मॉइस्चराइज़र, और इसको मैं अच्छे से मेरे फेस में अप्लाई करके नेक तक अच्छे से मैं मॉइस्चराइज कर दूँगी। एंड उसके बाद आईब्रो फिल करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ADS का आईब्रो पाउडर जो ब्लैक कलर का है, एंड उसे ही मैं अच्छे से मेरे आईब्रोज़ को फिल करके एक बोल्ड आईब्रो बना रही हूँ। उनका आईब्रो बहुत ही थिक है। एंड उसके बाद मैं फाउंडेशन नहीं अप्लाई करूँगी, एवरीडे वेयर है, इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ बीबी क्रीम जो कि सबसे बेस्ट होगा। तो बीबी क्रीम, पॉन्ड्स बीबी क्रीम मैं यूज़ करके ऑल ओवर माय फेस अच्छे से मैं फिंगर से ही मैं ब्लेंड करूँगी, तो बहुत अच्छे से ब्लेंड करूँगी। एक नॉर्मल एक कवरेज देता है ये, एंड इसे ही अच्छे से मेरे फोरहेड सब जगह में इस बीबी क्रीम को मैं अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। उसके बाद कंसीलर, तो हम कंसीलर के लिए भी हम पाउंड्स बीबी क्रीम को ही एज ए कंसीलर लेकर मेरा आईज़ को ब्राइटन अप करने के लिए, अंडर आईज़ को मैं एज ए कंसीलर इसको ही यूज़ करूंगी। तो इसे ही मैं अप्लाई करके अच्छे से मेरे फिंगर में अप्लाई करके, एंड सेम मैं फिंगर से ही ब्लेंड करूंगी, अच्छे से इसे ब्लेंड करके मेरे आईज़ को मैं ब्राइटन अप कर दूंगी। एंड इसे ब्लेंड करने के बाद इसको सेट करने के लिए, इस कंसीलर, इस बीबी क्रीम को सेट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन न्यूयॉर्क कॉम्पैक्ट पाउडर, एंड इसका शेड है शेल, एंड इसको अप्लाई करके मैं मेरे फेस एड से ही ब्लेंड करूँगी। उसके बाद काजल के लिए यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन कोलोसल काजल, एंड इसको मेरे वाटर लाइन पर ड्रॉ कर रही हूँ। उसके बाद मैं आईलाइनर के लिए यूज़ कर रही हूँ लैक्मे इंस्टा वाटर प्रूफ आईलाइनर, और इसे ही मैं अच्छे से मेरे आईज़ पर ड्रॉ करके एक पहले पतला मैं एक ड्रॉ करूँगी, एंड उसके बाद एक पतला सा एक विंग बनाऊँगी, एंड उस विंग को मैं अच्छे से उसको फिल इन करूँगी, और थोड़ा मैं इसको लेंथ दे रही हूँ ताकि इस लुक में मेन है आईज़, तो इसके लिए इस आईज़ को ब्राइटन अप करने के लिए मैं और थोड़ा सा विंग लेंथी बनाकर इसको और फिल इन कर रही हूँ गाइस। एंड उसके बाद वेगा आईलैश कलर से मैं मेरे आईलैशेस को कर्ल करूँगी, एंड उसके बाद मैं मेबेलिन न्यूयॉर्क वॉल्यूम एक्सप्रेस मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा मस्कारा है ये, अप्लाई करेंगे तो हमें फेक आईलैशेस की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हमारे आईलैशेस को काफ़ी अच्छा लेंथ देता है, मेरा फेवरेट मस्कारा है। तो इसे ही मैं यूज़ कर रही हूँ ऑल ओवर माई आईलैशेस, अच्छे से मैं इसको यूज़ करूँगी अपर एंड लोअर आईलैशेस में। एंड उसके बाद मैं कॉन्टोरिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ ADS का कॉन्टोर पाउडर जो ब्राउन कलर का है, ADS का आईब्रो पाउडर है ये बहुत ही अच्छा कॉन्टोरिंग का काम करता है। इसमें मैं सिर्फ चीक्स और फोरहेड में मैं अच्छे से अप्लाई करके मैं अच्छे से ब्लेंड करूँगी, एंड बस और क्या, लास्ट फाइनल लुक को कंप्लीट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लिपस्टिक जो 7-Eleven का लिपस्टिक है, जो एजल नेट शेड है, ए न्यूड है, न्यूड कलर है, न्यूड कलर, ब्राउन कलर, न्यूड कलर है। प्रिया प्रकाश जी भी
एक न्यूड कलर यूज़ किया है ब्राउन कलर, तो सेम मैं वो एक शेड यूज़ कर रही हूँ एजलनट 303, एंड इससे मैं मेरे लुक को कंप्लीट करूँगी। सो गाइज यही था मेरा इंस्पायर मेकअप लुक, प्रिया प्रकाश जी का मेकअप लुक जो मैंने इंस्पायर होके किया है। बहुत ही ऑसम मेकअप लुक है क्योंकि ये बहुत ही सटल एंड स्वीट मेकअप लुक। सो गाइज ये लुक मुझे बहुत ही पसंद आया क्योंकि ये बहुत ही सिंपल स्वीट मेकअप लुक है, बस 2-3 प्रोडक्ट के साथ ही ये लुक कंप्लीट हो जाता है गाइज। तो आई होप एंड सारे प्रोडक्ट्स का प्राइस सारे प्रोडक्ट्स का शेड्स और उसका नाम आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, आप प्लीज़ उसे चेकआउट करिए गाइज। सो आई होप आपको ये मेरा इंस्पायर मेकअप लुक पसंद आया रहेगा। अगर आपको मेरा इंस्पायर मेकअप लुक पसंद आया तो आप मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें आपको कैसा लगा ये वीडियो, इंस्पायर मेकअप वीडियो। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो गाइज। सो बाय।